नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। सरकारी राशन की दुकान के चयन में की गई फर्जीवाड़ा एवं अनियमितता। खबर आ रही है प्रयागराज से। प्रयागराज तहसील करचना के अंतर्गत ग्राम सभा उभारी के ग्रामवासियों का आरोप है कि 3 अक्टूबर को ग्राम सभा के सरकारी राशन की दुकान के चयन हेतु चुनाव में खुली बैठक में ग्राम प्रधान, एडीओ, पंचायत अधिकारी एवं चाक ब्लॉक से आए हुए अन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी अधिकारियों की मिलीभगत, मनमानी एवं प्रधान के गुंडई के कारण विपक्ष चुनाव नहीं हो सका। चुनाव के दौरान सभी समूह सखी यूपीबीसी की महिला सदस्यों को बलपूर्वक एवं जबरन बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया, जिससे उन सभी महिला सदस्यों को वोटिंग करने का मौका ही प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण सभी ग्रामवासी एवं समूह सखी यूपीबीसी की महिला सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। तहसील पर आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया, तहसीलदार महोदय को क्या कहा उन्होंने? बोले हैं कि जो आपकी बात इसमें लिखी हुई है और जो आप लोग हमसे बता रहे हैं, वो आपकी बात पर सुनवाई की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, हम पुष्पा देवी उभारी, कटरा उभारी। इतने बड़े ग्राम सभा में स्तर पर फर्जीवाड़ा एवं अनियमितता निंदनीय है। इन समस्याओं को लेकर समूह सखियों के द्वारा तहसील करचना पर जाकर तहसीलदार के द्वारा एसडीएम करचना को ज्ञापन सौंपा। साथ ही महिला समूह की मांग है कि सरकारी राशन की दुकान के चुनाव को निरस्त करके निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराएं, नहीं तो महिला समूह एवं ग्रामवासियों के द्वारा एसडीएम, डीएम एवं अन्य उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत एवं धरना प्रदर्शन करने का बाध्य होंगे। हमारे ग्राम सभा उभारी में हम लोग की कोई चीज़ की सुनवाई नहीं होता, ना तो कॉलोनी का, ना तो लैटरिन का, ना तो पानी का कोई निकासी हुआ है, कुछ नहीं। हम लोग बहुत परेशान है, ना तो रोड बना है, कुछ नहीं। हम लोग इस वजह से बहुत परेशान है, इसलिए हम लोग समूह चलाए हैं कि शायद समूह की वजह से हमारी लोग की कोई सुनवाई होगा, इसलिए प्रधान द्वारा कुछ नहीं मिल पाया है, शायद हम लोग समूह की वजह से कुछ बात सके। कट कर दिया करिए ना, कट। और हम लोग ने समूह के माध्यम से कोटा का भी हमें लोग के अवसर मिला। जब हम लोग ने कोटा के लिए अवसर पाया तो इसी में भी घोटाला हो गया, और इसके दौर से हमें लोग ये नहीं पता चला कि किसका हाथ इसमें है, और हम लोग इसी वजह से परेशान हैं। मतलब इसमें जो चुनाव हुआ है कोटे का, मतलब कि फर्जी तरीके से हुआ है? हाँ, फर्जी तरीके। और इसमें कौन कौन मिला है अब ये नहीं पता है सर हमको, कौन कौन है नाम नहीं ले। रेडियो पंचायत सब मिले हुए, प्रधान हमारे यहाँ। अभी आप लोग जो है करचना तहसील में आए हुए हैं, तो किस इसी मुद्दे को लेकर आए थे? हम लोग इसी मुद्दे से आए हैं कि हमारा लोग के शायद यहाँ से। तो क्या आपने किसको दिया लिखित ज्ञापन? तहसीलदार को। क्या उन्होंने कुछ कहा? आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।